जैसे शुरुआत वो कुछ कहेंगे उसके बाद करें, पर अनौपचारिक रूप से हम पहले ही कुछ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप और हम सब यहाँ पर आज जो इकट्ठे हुए हैं वो किसी गुरु की या किसी एक सुप्रीम पावर की मेहर से है कि आज आप और हम सब यहाँ पर हैं। और इस जगह पर जो हमें आपके बीच में आपके दर्शन का और आपसे मिलने का जो अवसर मिला है वो माया बहन और अजीत भाई, जिनको कोई जीत नहीं सकता, और विवेक जो एक अनुभूति है, विवेक एक प्रत्यक्ष अनुभूति है, उसकी वजह से आप और हम सब यहाँ पर हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इनके इस आयोजन की वजह से आप सबसे रूबरू होने का, आपके दर्शन करने का, आपसे मिलने का अवसर मिला। ये कॉन्सेप्ट में ये भी आप बिल्कुल दूर करना चाहता हूँ आपके स्मृति से कि विवेक चूँकि संगीत के जानकार और प्रोफेसर हैं, संगीत के बारे में खूब ज़्यादा जानते हैं, और मैं संगीत बिल्कुल नहीं जानता, मुझे संगीत वंगीत कुछ याद ही नहीं है, नंबर एक। तो इसलिए ये जैसे बिटिया संगीत सीखती होंगे और इनको याद है राग ताल, हमें कुछ याद राग वाग याद नहीं है, क्योंकि कबीर का राग अंतर का राग है, प्रेम का राग है, अंतर का प्रेम है, अंतर से जो अभिव्यक्ति निकलती है वैसे कुछ गा लेते हैं। परंतु मैं इतना जरूर मानता हूँ कि वो छोटा सा जो थोड़ा सा अंतर का लगाव है गाने का, उसकी वजह से ही आप मुझे याद मिले हैं, और यदि वो नहीं होता तो शायद आपके दर्शन नहीं होते, आपसे नहीं मिलते। क्योंकि कबीर की एक साखी है कि गाया बिन पाया नहीं, गाया बिन पाया नहीं, अण गावन से दूर, और जिन गाया विश्वास से तो साहिब हाल हजूर। तो हमारे लिए तो आप सब साहिब हैं, आप सब गुरु तो हैं, आप सब संत हैं, आप सब साधक हैं, और ऐसे साधकों से मिलना हमारे लिए कबीर है, क्योंकि कबीर की वजह से आप सब मिले हैं। तो इसलिए ये जो इस बार की जो हमारी इस यूएसए में जो चौथा यात्रा है एक तरह की, वो केवल सत्संग के जरिए से, हम कोई वो परफॉर्मेंस करने के दृष्टिकोण से नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी पूरी टीम रहती है, 5-6 लोग रहते हैं, वैसे आज भी 5-6 लोग हैं, परंतु ये ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो संगीत के जानकार हैं, ये प्रोफेसर रही है हार्वर्ड में, और एक वो प्रांजलि वो भी प्रोफेसर है, और ये भी प्रोफेसर, तो तीन प्रोफेसरों के बीच में 3 ऐसे आदमी हैं जिनको कोई याद नहीं वो है। हम केवल ये चाहते हैं कि आप और हम मिल करके संतों की वाणी के ऊपर कुछ एहसास करने का बारे में विचार करें, क्योंकि संतों के भजन जो है वो खाली गाना नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ, वो एक एहसास है, वो एक प्रैक्टिकली अनुभव है जो आप और हम सबके जीवन में है, जिसमें किसी धर्म की, जिसमें किसी मजहब की, जिसमें किसी देश की, या जिसमें किसी स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। इस एहसास को हम कैसे थोड़ा सा हमारे जीवन में साक्षीभूत कर सकते हैं, इसके ऊपर आज कुछ चर्चा करेंगे। इसलिए हम ये भी चाहेंगे कि आपका भी विचार, आपका भी जो एहसास है वो भी आप शेयर करें, वो भी आप बताएं, ताकि हम भी उससे वाकिफ हो सकें, और जो थोड़ा बहुत समझ में हमें आया है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो बस अब So that part will be for the Indian speakers only. After that, we'll translate everything. हम आप तो के तीन ओम से ठीक Santavani from one of the most celebrated
really, I shouldn't say singers, but bearers of Sant Bani, who is alive in our time. And most of the songs or bhajans, not all, but most that we'll hear tonight are associated with a poet saint from the 15th century named Kabir, who lived 600 years ago in the holy city of Kashi, or Banaras as it's now known. Kabir was a simple weaver by profession, but there was nothing simple about the poetry that came to be associated with his name. Within his own lifetime, Kabir came to be recognized as the greatest of India's bhakti, or devotional, poets, and was revered as a saint or even as a deity. He spoke to all who would listen about the most profound and ecstatic divine revelations, using colorful and witty language that captivated and delighted listeners. But the special thing about Kabir is that he always also challenges his listeners. He challenges those who adorn the trappings of faith or religion without a sincere endeavor for spiritual transformation. Kabir says, "Why rotate beads if you never bother to rotate your mind? Why shave your head when your hair has committed no sins? You never take time to shave away your selfish and greedy thoughts. So tell me, what is the point of this outward sign?" He challenged religious and political authorities who preached hatred, factionalism, sectarianism, and divisiveness rather than love and humanity. He said, "Every body is one bag of flesh and blood and bone. How can you tell your followers that this bag is one religion, that bag is another, this bag is a Brahman, this bag is a Shudra? Oh, and then you make them fight each other, and then, by the way, while we're on the subject, who's really eating all that food that your followers are bringing to the temple?" So he says that we need to abandon these outer trappings of religion and look inward. It's possible that we need this voice of Kabir, this voice of honest introspection today, more than we ever have before, in a time when there are so many other voices loudly advocating disharmony. Kabir's voice has been kept alive through the centuries, largely through bhajan singers like we have with us today. And it continues to challenge us. It challenges us to find a truth that can only be attained by looking beyond scripture, beyond text, and beyond preconceived ideas, and by boldly confronting our own uncertainty. Kabir's voice challenges us to find a humanity that can only be attained if we abandon categories of religion, race, caste, class, and any other distinction that we may draw between self and other. Kabir challenges us to find a divinity that can't be attained within temples or rituals or statues alone, but only by looking deeply within ourselves. So, Sairam friends, family, we're all very privileged to have among us today a group of performers who, not only in their sound, but actually in their lives, day to day, embody the poetry and the spirit of Kabir in their music. They are led by Padma Shri Prahlad Singh Dipanya, who is celebrated throughout the voice of Kabir. Prahladji is one of the most compelling folk voices in India today. He was born in a small village in Madhya Pradesh, but he has earned international acclaim for not only his captivating sound, but for the profound messages that he spreads through his performances. Every bhajan we will hear from Prahladji, it's like a window, kirki jaisa hai, into a deep truth about devotion or bhakti, about spiritual practice or yoga. And all of these are grounded within the realities of daily lived experience. For the last two decades, Prahladji has been at the forefront of a kind of bhajan revolution happening throughout rural North India, mobilizing the words of the saints to bring about impactful social transformation. For his efforts, Prahladji has been acclaimed by scholars and governments, but more importantly,
he's inspired countless listeners in India and internationally to seek their own inner spiritual transformation through the enchanting beauty of his music and the timeless wisdom of the mystic saints. So everyone, please give a warm welcome. To you. विवेक जी ने अंग्रेजी में पता नहीं बहुत बड़ी बात है वो मेरे को केवल एक ही समझ में आया कि पद्मश्री तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर मैं मानता हूँ मेरे लिए ये सब चीज़ें इंसान के अंदर एक ईगो पैदा करती है अहम पैदा करती है ऐसा कुछ है नहीं ये सब कुछ ये कचरा है एक तरह का जिस तरह से ज़मीन के अंदर बीज बोते हैं ना तो बीज के साथ बहुत सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं यदि उस कचरे से हमारा संपर्क दिया तो एक दिन को बहुत जोर से दी चक्रवात आता ना हवा का तो वो कचरा सब उड़ जाएगा केवल बीज रह जाएगा इसलिए हम बीज से जुड़े रहें और बीज वो है जिसकी वजह से आप और हम सब जिंदा हैं बीज वो है जो सबका मूल है एक है जिसको हम जाति में धर्म में मजहब में नहीं बांट सकते उस बीज का एहसास हमें कैसे हो उसका थोड़ी सी प्रत्यक्ष होती है हमारे जीवन में कैसे हो इसके लिए कोई सच्चे सदगुरु ऐसे संत ऐसे महापुरुष संसार के अंदर बहुत हुए और जिन्होंने उस मर्म को उस एहसास को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूति किया और शब्दों के रूप में आप और हम सबके लिए रखा और उस शब्दों के जरिए से हम भी वो एहसास हमारे जीवन में कर सकते हैं और उस एहसास करने के लिए इन किताबों की जरूरत नहीं है किताबों में वो चीज़ें लिखी है परंतु वो एहसास नहीं है किताबों में एहसास तो आप और हम सबको करना पड़ेगा और वो उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हम अपने अंतर में करें तब कहीं वो बात ठीक है तो इसलिए मैं पुनः आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ और विवेक जी के परिवार को हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज यहाँ पर इस सत्संग के जरिए से आप और हम सबको इन्होंने इकट्ठा किया और बस मुझे अंग्रेजी मैंने पहले ही बता दिया कि नहीं आती इतना आप विवेक जी हैं और ये देव नारायण जी हैं हमारे साथ में जो वायलिन बजाते हैं प्रोफेसर इधर हैं प्रांजलि जो साउथ एशिया स्टडी बर्कली में है बैठी हैं जिन्होंने हावड़ा में पढ़ाया है सारा अम्बा जी अम्बा सारा है और ये बेटा है अजय a few things which he said and he started with he's very humble and he's saying you all give me the title Padma Shri and tell me that he is this and that but I don't believe in all of this because these things create just ego inside a human being and he wants us to think of ourselves as a little seed if there is a tornado or there is a storm or there is a gust of wind that seed is gone so we have to protect that We have to nurture that and we have to make sure that we realize that all these books and literature is not going to help us. We can be scholars, but to know the real truth, to realize what is inside us and to make good use of that seed which is inside us, we have to do some introspection. We have to learn, we have to think and that's how we will go to that path. तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत में सदगुरु आजकल तो लोग सदगुरु कहना अच्छी बात है बुरी बात नहीं है हमारे लिए सब सदगुरु है परंतु सदगुरु वो होता है जिसको कोई दाग न लगे सदगुरु वो हो जिसमें किसी तरह की खूट ना हो सदगुरु वो है जो सबका संरक्षण करता है सबकी हिफाजत करता है परंतु इसका मर्म इसका भेद हमें जिससे मिले ऐसे साधक से ऐसे संतों से ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में आकर के
हमारी भी वो खोट हमारे भी वो कमी और खामी निकल जाए, इसलिए इस तरह का आयोजन करते हैं और वो सत्संग के जरिए से संभव है। क्योंकि एक जगह पर कहा कि सत्संगत बिन कभी न सुधरो, सत्संगत बिन कभी न सुधरो क्यों भूलिया भटको, और सदगुरु से मिलना चाहो तो काल क्रोध को पटको, एक भजन में है ऐसा। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत में आप और हम सबके ओर से वो भेदिया सदगुरु जिसके द्वारा हमें वो जड़ी वो दवाई मिले, और वो दवाई ऐसी जिससे सब रोग कटे, ऐसी दवाई, और वो दवाई है नाम की, वो दवाई है शब्द की, वो दवाई है धुन की, वो दवाई है अनहद की। उस नाद से हम किस तरह से जुड़ सकते हैं, उस नाद का एहसास आप और हम सबको कैसे हो सकता है, ये संतों ने बात करी। तो इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी बात से करें, मार सदगुरु बनिया भेदिया मारी नाड़ी पकड़ी, जैसे डॉक्टर रहता ना नाड़ी पकड़ करके देख लेता कि इसको कौन सा रोग है, वात का है, पित्त का है, कफ का है, और फिर उसके बाद में वो ऐसी जड़ी देता कि वो सब रोग खत्म। तो इस तरह से हमारे अंदर वात पित्त और कफ के तीनों तरह के रोग हैं, उस रोग को किस तरह से दूर किया जा सकता है ताकि आप और हम सबको एक आत्मिक शांति मिल जाए। ये शोहरत मिल सकती है परंतु यदि शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो फिर इनके रहते हुए भी हम अशांत रहेंगे। तो अशांत को शांत करने के लिए इस तरह के आयोजन होते हैं, और इस तरह का पद से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। So Vivek, you can translate the bhajan, but before that I just wanted the very important thing he mentioned, and that was he wanted to give his thanks to Vivek and his parents Maya ji and Ajit ji for welcoming us, opening their doors to us, and such a loving, such a great family to be around. It's like we all are doing sadhana here, so this I'm adding, but that's what he means, that we are thankful to them for offering their home to us. And then you can share. Yeah, you can do the So we'll begin in the tradition of Nirgun Vani with a bhajan dedicated to the Guru. And this bhajan, it's by a relatively unknown Nirgun saint whose name comes in the chap, Hema. We don't know author ke bare mein jada, aur nahi jante. We don't know much about him other than he's in the Nirgun parampara. But this bhajan is very beautiful. It uses a common metaphor of the Guru's teaching, the Guru's message, as a kind of herb or medicine, and it describes the impact of that in incredibly powerful language. It says, my Guruji has given me this medicine, this herb. My Guruji has taken me by the pulse, like Prahladji was saying, just like a doctor diagnoses us by holding our pulse. But when he took my pulse, it sent waves rippling through my veins until my very heart began to shake and quiver. My Guru has made me chetana, tanavicha dhiyo lakaya. He's given me this awareness within my body, within this vessel, this awareness has come. And then in the verses, the poet says, my Sadguru has prepared this medicine, this ointment. Everybody, please come and take it. And you won't believe the power of this. When you apply it, it's like all of the faults within you disappear, and in their place only virtues remain. Avaguna se guna kare. My Satguru is like the purest gold, which the seasons cannot tarnish, which remains through the seasons without a mark or stain. And his teaching, how has it impacted me? This is something many of us experience, that the first step is not necessarily pleasant, but often painful. It says, my Satguru has taken up a spear and driven it straight through my heart. My Satguru has filled me with this feeling that is spilling over like a cup overflowing in every direction. But the incredible thing is this, that the more I share what is spilling out of this cup, the more I have.
The more I give it away, the more there is. And finally, the poet speaks to us, the listener, and says, give up the cares of the mind, mana mohino. Whatever those delights are that attract the mind, discard them, and instead dedicate your life to seva, to the guru. Seva to the guru is like a goblet, a cup full of amrit, full of nectar. The guru has given it to me to drink, and now I want to share it with all of you to drink as well. Mara sat guru baniya bhediya. Within seven worlds, upper and lower, there is nothing bigger than the power of the Guru. Even that which the Creator cannot accomplish within us, the Guru can bring about that transformation. पर ये कब होगा? जब गुरु की अटपटी बात को झटपट लख ले, परख ले, देख ले, उसको साक्षीभूत कर ले तब हमारे जीवन की खटपट मिटेगी। इसलिए कहा है कि गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लगी न जा। अरे जो जन झटपट लख ले वाकी खटपटी मिट जा। ऐसे सच्चे सदगुरु का सानिध्य, वो सदगुरु जो सबके अंदर मौजूद है, उसका एहसास हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए किसी भेदिया पुरुष की जरूरत होती है, जो उस मर्म को जानता है, जो उस दौर से गुजरा हुआ है। इसलिए देखिए इस पद में कहा है, we'll be right back.
हमारा शरीर का जो आंगन है उसमें वो जड़ी है, उस जड़ी से जुड़े, इसलिए कहा है हमारा सतगुरु आंगन रुकड़ी सबके पास है। मन को शांत करने की दवाई जो है जड़ी वो सबके पास है और उसको हम कहीं बाहर खोज रहे हैं या किसी बाहर से कोई हमको दे दे, हमें ऐसी अपेक्षा रहती है, जबकि उस भेद को जानने की जरूरत है और वो जड़ी आपके अपने पास है ही और उससे सब रोग कट जाएंगे, बाहर की भटकन भी और अंदर की भी भटकन। इसलिए मर सतगुरु सोना सोल मोरे का। इसलिए हम सदराह के राहगीर बन करके उस जड़ी को लेकर के उसकी खुशबू उसका यश सबके लिए सर्वांगसम स्थिति में फैले इसलिए कुछ करें। इसलिए कहा है रिवाजी इज सेइंग व्हेन वी हैव टेकन दिस मेडिसिन दिस टीचिंग ऑफ द गुरु द हार्ट वी डोंट नीड टू गो अराउंड टेलिंग एनीवन अबाउट इट because the fragrance of that teaching that emanates from us, it spreads itself. So it's like, rather than go preach, if we focus on embodying these teachings, that sugandh, that fragrance, will spread everywhere we go. Oh,
पर वास्तविक रूप से सच्चा गुरु तो आपके पास है ही। कबीर इस बात को इस तरह से कहते हैं कि या घट भीतर तीन लोक है, या घट भीतर तीन लोक है, या ही में है करतारा, और कहें कबीर सुनो भाई साधु या ही में गुरु हमारा। आप सबका गुरु आप सबके पास है, पर शरीर से जिनको हमने गुरु किया है वो एक भेदिया पुरुष है जिन्होंने उस चीज का एहसास किया है। तो वो एहसास हम अपने अंतर में ही कर सकते हैं क्योंकि वो उस दोष से गुजरे हुए। तो वो गुरु जो सबके अंदर मौजूद है, उस गुरु के एहसास के लिए हम क्या करें, उस गुरु की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए क्या करें। कबीर इसे यूं भी कहते हैं कि ये सब गुरु हैं हद का, हमने जितने भी बाहर गुरु कर सकते हैं ये हद के हैं, किसी एक सीमा तक के हैं। ये सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नाही, और बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर माही। आपका अनुभव वो गुरु है और उस अनुभव को कोई इंसान काट नहीं सकता, उसको कोई लूट नहीं सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई बांट नहीं सकता। इसलिए योर एक्सपीरियंस इज योर गुरु, और वो अनुभव तब होगा जब हम भी उस राह के राहगीर बने, हम भी अपने बाहर की यात्रा के साथ ही साथ अपने अंतर की यात्रा को शुरू करें और उस एहसास को अपने जीवन में साक्षीभूत करने का प्रयास करें। और जो जिन्होंने किया उसका जीवन सफल और सार्थक हो गया। So, Brahmaji is saying that this guru that's being spoken of, it can be understood in many different ways. As many of us understand the guru in the form of a person or a book, but this guru that's being spoken of is something that all of us have within. And one Kabir Bhajan expresses this. It says, within this vessel, ya ghata bhita, within this pot, are all three worlds. Within this, yahi mein hai kartara, is the creator of all three worlds. Within this vessel is the guru that we are all looking for. And in another sakhi or doha, he says, sab guru hai had ke, which means all gurus that we can understand are bounded. They have some limitation, some had. Be had ki guru nahi. There's no guru that exists without boundaries. But each of us can become boundless ourselves, dwelling in the house of experience. So only when we have practiced can we enter that state of boundlessness. It's not something to be heard or told, but something for each of us to do. And Prahladji was giving the example of a path that we take as a guru, someone who has walked the path and can tell us, this is what the path is like. But until we walk it ourselves, we can't discover that inner guru. I just add one to it which you left was experience. Your experience is your own guru.
that guru is outside, but your own experience, it is inside you, which no one can steal from you, cut it or steal it. It's always going to be with you, your own experience, your own teaching. इसके लिए क्या करें? इसके लिए काम शुरू करें. और इसके लिए सब लोग आप सब कर रहे हैं निश्चित रूप से. तरीका किसी तरह का भी हो सकता है, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, जप तप, योग, ध्यान, साधना, समाधि, कुंडलिनी जागरण, सो मेनी काइंड्स, कई तरीके तरीके. सब लोगों ने अपने अपने हिसाब किताब से जो कुछ किया सब ठीक किया. कबीर भी इस बात को कहते हैं कि योग है, जप है, तप है, कुंडलिनी जागरण है, ये सब बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए. इसके जरिए से इंसान के अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर ताकतवर बनता है. तो योग के जरिए से ये सब ठीक है, होना चाहिए. परंतु तन के योग के साथ ही साथ मन के योग की भी जरूरत है. शरीर स्वस्थ है, ताकतवर बना लिया, खूब आपके अंदर एनर्जी है, और उस एनर्जी या उस ताकत का उपयोग यदि हम किसी के हित के लिए करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. परंतु उसी ऊर्जा का, उसी ताकत का, उसी समझ का, उसी ज्ञान का उपयोग यदि हम किसी के डैमेज करने में, किसी को मारने में, किसी को नीचा दिखाने में करें तो वो अच्छा है या बुरा है इसका निर्णय खुद करिए. इसलिए इस योग के साथ ही साथ, तन के योग के साथ ही साथ मन के योग की भी जरूरत है. और मन का योग केवल नाद से, मन का मैं सोचता हूँ, हो सकता है गलत हो, परंतु मन का योग केवल सुमरण से, और सुमरण का मतलब होता है याद, और याद है उस नाद की हमें, तो हम निश्चित रूप से सबके हित की बात करेंगे और उसको मूर्त रूप देंगे. इसलिए कबीर भी इस एक भजन में कहते हैं कि इसके लिए तू गुरु या शब्द उस नाद के साथ जुड़ जा, जो कि तेरे हर, जैसे अभी शुरुआत में आप और हम सब ने ओम की ध्वनि किया, क्यों, क्या कारण था, आप सब जानते हैं उसको. क्योंकि ओम जब अपन ने बोला तो ऐसा लग रहा था कि हमारी नाभि से श्वास उठ रही है, और ये संकेत है आप और हम सब के अंदर, हमारा जो मूल केंद्र है वो नाभि है जिससे श्वास उठती है. इसलिए कबीर ने इसको प्रमुख केंद्र माना है, ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ इस पूरे ब्रह्मांड का, जैसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, उसी तरह से ये भी पूरा जो कायनात है इसका मध्य बिंदु हमारी नाभि है, और वहां से श्वास की उत्पत्ति होती है. तो श्वास का हिफाजत हम कैसे करें, श्वास को उर्ध्वगति या अर्धगति में जो चल रहा है तो उसको किस तरह से पलट करके हम इधर लाएं ताकि वो नाद का एहसास हमारे अंदर हो सके. और इसलिए वो गुरु के शब्द है ना, वो नाद शब्द क्या है, एक आवाज है, कोई भी आवाज, ओम ओम की है, तो वो आवाज है, उस आवाज का एहसास हम कैसे कर सकते हैं. इसके लिए कबीर साहब का एक पद है कि गुरु जी के चरणों में गुलजारे बंदे, हर नित नई वस्तु मिले, हर बार एक नया अनुभव होगा, हर बार एक नया एहसास होगा, और वो एहसास सब कर सकते हैं, कैसा होगा ये आप जाने, परंतु होगा ये पक्का है. तो इसलिए वो कहते हैं कि गुरु जी के चरणों में गुलजारे बंदे, नित नई वस्तु मिले. इसके लिए क्या करें, शून्य में आना पड़ेगा. जब तक इधर है तो शून्य से बाहर है, इन रूप रंगों में, इस रस गंधों में हम फंसते रहे, परंतु इससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो फिर वो धुन, वो नाम, वो शब्द जिसको गुण देते हैं या गुरु एहसास करवाते हैं, उसका एहसास हर इंसान को हो सकता है. इसलिए केवल छोटा सा बता दो. So he's saying that these practices that we use to reach this state of experience, there are many that have been taught, and all of them have a lot of benefit. So japa, mantra, yoga. In Kabir's time, and the tradition Kabir came from, the Nath tradition, there was a lot of use of physical yoga. And Prahlaji is saying physical yoga is important, but on its own, it's nothing without the yoga of the mind. Because all these practices, whether it's physical yoga, pranayam, kundalini, these bring a lot of energy and power into the body. But that power can be used in different ways. That same power can be used to spread love, to spread positivity. And that same power that we gain through yoga, through kundalini, we can use to beat up someone, because now we're stronger than that.
और पावर का उपयोग हम कैसे करते हैं? पावर जिसके पास आ जाता तो फिर क्या करने लगता है? And then he's saying, historically, what do we see usually happens when people gain power? It's not typically what we'd like to happen. And instead, saying the root of sadhana is something we have to find in us through the practice of smarana, which literally, of course, just means remembering. But what are we remembering? And Prahlaji's thinking, we're remembering this nad, this sound that is really our core essence. And we're listening for this. And the bhajan, it's a very beautiful bhajan that draws very heavily on yogic imagery. It says, please, my brother and sister disciples, Guruji ke charano mein rehna, remain always at the feet of the Guru. And every day, every moment, you will discover something new. You will have a new experience. Friends, disciples, melt into the feet of the Guru, and you'll receive double everything in your life. What are we trying to remember? Shunya, emptiness. Dwell on that experience of emptiness. And in that awareness, unite. Unite in the awareness of emptiness. Unite in the awareness that within every vessel, within every name, sabhat sabanam ekahe, it is one essence. Ring the gong and let it resonate within your own navel. Let that path of the navel rise. This is referring to our ascending breath. Ring it, let it echo. That path of the navel is very difficult to ascend. Capture all seven colors and draw them within yourself. Now, invert that path of the navel. This is the inward breath. Invert that path of the navel. Open the ridge of the Mount Meru. This is a mount or a site of power in Indian mythology. But here, Kabir is saying that the ridge of Mount Meru is your own spinal column. So all of the powerful sources of energy that we recognize externally are being internalized. It says, open that and walk that rearward path now that you've walked the navel path. Without, this is a very typical Kabir kind of imagery, very paradoxical. He says, without a striker, there is a gong ringing. Listen for that sound ringing in the ether. Jina, jina, so subtle, so subtle. It's ringing with the richness, with the melody of a veena, a bansuri, a bell, a conch. Listen to it. That anahadna, that boundless sound, is echoing eternally. And then Kabir uses the metaphor of a place. This is a place that many of the saints refer to, that of course isn't a physical location, but a state of consciousness that we have all come from. And he says, in that place, there is no day and there is no night. Divasana hiran. There is no sun that ever shines. There is no thunder that ever rumbles, and there is no lightning that ever flashes, and yet droplets of amrit, of immortal nectar, are always falling in a torrent in that place. In that place, that is a country without settlements, Binabasti Kadesh. It's a place where there is no stillness, where there is no certainty, where there is no comfort in our identities. This world is a land of settlements. We become settled in, okay, I'm American, he's Korean, he's Indian. We become settled in, I'm Hindu, he's Christian. But this land that the saints sing of is a bin basti desh, a land with no settlements. And that is a wondrous place where time has no passage. So Kabir says, find that desh and dwell on this remembrance of emptiness, of shunya. Thank you.
निज गुरु नाम है गम्य का और शिष्य सीख ले सो और बिन पद बिन मर जाद न और गुरु शिष्य नहीं को तो गु अंधियारी जानी है नू कहिए प्रकाश और मिटे अज्ञाने ज्ञान से तो गुरु नाम है ता कैसे गुरु गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है और घड़ घड़ काड़े खोट अरे अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चो वो शब्द की चोट जब लगेगी तो ही गुरु के शरण या शरण में हम समर्पित रूप से जुड़ सकेंगे और जब अपन गुरु के शरण में जाते हैं या कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो हम झट शीश झुकाते हैं या नारियल चढ़ाते हैं एक सिंबोलिक चीज है नारियल ही क्यों चढ़ाते हैं और कुछ चढ़ा देते हैं आजकल तो मिठाई विठाई भी चढ़ाने लगे पर वो एक सिंबल है हम अपने शीश को चढ़ा रहे हैं और शीश मैं ये सोचता हूँ कि जितना भी इस पूरी दुनिया में गड़बड़ हो रहा है वो केवल इतने से ऊपर ऊपर से हो रहा है नीचे नीचे से नहीं क्योंकि जितना भी हम जितने भी ख्यालात किसी भी किस्म के पैदा होते हैं उससे अच्छे बुरे काम होते हैं वो केवल इतने से है इसलिए हम गुरु को ये संकल्प करके भेंट कर रहे हैं चढ़ा रहे हैं कि मास के बाद में संकल्प करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे कैसा हम रूप में नहीं फंसेंगे हम नाद में नहीं फंसेंगे हम गंध में नहीं फंसेंगे नहीं हम स्पर्श में नहीं फंसेंगे हम रस में नहीं फंसेंगे पंच विषयों में फंसना या अनेक प्रकार की जो ड्वेलिटी है उसके अंदर इंसान इसलिए फंसता है क्योंकि वो यहाँ पर है और जब ये हमने दे दिया तो उसके बाद में यदि हम इन चीज़ों में फंस गए तो फिर हमने क्या मंदिर में जा करके पूजा करी या क्या गुरु के पास जा करके हमने अपने आप को गुरुमुखी बना लिया या हमने गुरु को भेंट कर दिया सही है कि नहीं है इसका निर्णय खुद कर इसलिए गुरु जी के चरणों में घुल जा रहे बंदे धुड़ी धुड़ी खबर पड़े वो साथी का there's a few साथीज गुरुजी gave and one of my favorites is this that the disciple is like a pot and the guru is a potter The guru's hand is always on the inside, giving support. But with the other hand, he gives it a big slap. And this is always the state, that the guru beats us with one hand as the inward support is there. And this chot, this wound that is inflicted, Prahladji is saying that once we feel that chot, that wound inflicted inwardly, that is the beginning of our journey of surrender to the guru. और आप ये भी जानते हैं कि यदि यदि जब तक ऊपर से चोट नहीं मारेगा तो घड़ा अच्छा बनता नहीं है नहीं? इसलिए वो ऊपर से चोट जरूर मारते हैं परंतु नीचे से पूरी तरह से सपोर्ट है आप और हम सबके साथ में इसलिए हम गुरु के चरणों में घुले मिले कैसे Thank you.
पहली अवस्था हाँ दही रणकार थारी नाभि से उठता दही दही दम को चढ़े बासुरी बीना अनहद नाद गुरु
ढूंढने के लिए किसी दिशा की, किसी दशा की, किसी तिथि की, किसी दिन की जरूरत नहीं है। वो तो हमेशा ही होती है कि हमारा हनुमान जी का मुंह इधर है तो वो इधर ही रहेगा, ऐसा नहीं है। या खुदा इस दिशा में है ये भी नहीं है, या राम इस दिशा में है, वो सब दिशा में है और हमेशा है। यानी वो ना का एहसास प्रतिपल किया जा सकता है, इसलिए वो कहते हैं दिन नहीं रेड़े दिवस नहीं रजनी नहीं वा सूरज तपे रे रे दिन नहीं रेड़े दिवस नहीं रजनी नहीं वा सूरज तपे रे रे जिन्होंने ऐसा बंधन नहीं माना कि आप हमारे पास आओगे तो ही है और जो हम कह रहे हैं वही सही है, ये इन हदों से ऊपर उठने की बात करी। इसलिए इन मजहबों में, इस जाति में, इन धर्म में और इस देश दुनिया की सीमा की वजह से जितने भी जो झगड़े हो रहे हैं और रगड़े हो रहे हैं, इन रगड़ों से और झगड़ों से ऊपर उठे, इसलिए वो बस्ती है इन संतों की, इस महापुरुषों की। इसलिए कहते हैं आप इन बस्ती का ये देश अजब है नहीं महाकाल परे रे रे एहसास हम जब तक शून्य की स्थिति में, इन्होंने अंग्रेजी में क्या emptiness? Emptiness. तो emptiness खाली कहने से या किताबों में पढ़ने से नहीं होता, emptiness के लिए तो इधर आना पड़ेगा और इधर भी इससे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, तब कहीं इन द्वेत या जो ड्वेलिटी हमारे अंदर पैदा होती कि लाइट जल रहा है या इन्होंने ऐसा कपड़ा पहना है या ये बेटी है और ये बेटा है, ये जब तक कचरा इधर घुसा रहेगा तब तक चाहे कितने पूजा पाठ कर लो, चाहे कितने तीर्थ कर लो, चाहे कितने मंदिर मस्जिद में चले जाओ, मैं जहां तक सोचता हूँ सार्थक नहीं है। ये वहां इसलिए जाते हैं कि कम से कम हमारा मन कॉन्सेंट्रेट होकर के, मन स्थिर होकर के ये कचरा हमारे से दूर हो जाए, इसलिए कचरे को दूर करने के लिए ये काम कर रहे हैं हम, लोगों को रिझाने के लिए नहीं। हमारा ये दृष्टिकोण है कि इन संतों की वाणी ज्यादा से ज्यादा मानव मात्र के बीच में जाए ताकि हमारे बीच में जो कचरा भरा है ये निकल जाए, और वो कचरा इनका तो है ही सही परंतु मैं बहुत अच्छा गाता हूँ ये भी कचरा है, ये इन्होंने बोला था मैं पद्मश्री हूँ वो भी कचरा है, नहीं मैं इतना ताकतवर हूँ ये भी कचरा है, तो ये आ जाता है, स्वाभाविक गुण है, परंतु इन गुणों के रहते हुए हम हल्के बन जाए। This shunya that this bhajan is talking about, this emptiness where we have to dwell, it's there, it's in all of us, but it's difficult
to be in that emptiness, because we allow that empty vessel to be filled with kachra, with waste. And all of that is the product of dvait, of duality, that we say, okay, this one is my friend, this one is my enemy, this one is on my side, this one is my mother. This is all forms of duality. And on top of that, there's the ego duality, that, okay, I've accomplished this, I've accomplished that. And until we clear this, that weight is there. And he's saying, once we clear this, the whole being becomes light. और इसीलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि जो तुम आओ हल्का होकर, जो तुम आओ हल्का होकर, तजो मान का भारा, और ऐसी रहनी रहो मेरे अवधु भव से उतरूंगा पारा. So Kabir in one Saki says that come, having become light, having relinquished tyag, having renounced all the weight of your mind and heart, if you come in this state, then very easily you will float across Bhavsagar, the ocean of creation. पता नहीं किस वक्त हवा का झोंका लगे खत्म हो जाएगा, किस वक्त जैसे कागज की पुड़िया है पानी लगे गल जाती है, कांच की चूड़ियां बहने पहनती है, यदि थोड़ा सा टकोरा लग जाएगा टूट जाएगी. तो इसी तरह से इधर भी यदि थोड़ा सा कहीं झटका लगा और यदि श्वास बाहर की बाहर रह गई, अंदर नहीं आई तो काम क्या होगा, है नहीं? और यदि अंदर चली गई और बाहर नहीं आया तो क्या होगा? This life that we're so attached to, that we think of as being so all-consuming, how fragile it is, that if for one moment we allow a breath to go out without taking one back in, it's all finished. That's the fragility of this human life. इसलिए आप और हम सबका भी रंग कभी न कभी उड़ना ही है, अब तो पक्का है. परंतु हम इतने उलझ चुके हैं जैसे बोर, बोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोर की झाड़ी, बेर खाते ना, बोर कांटे वाले, हाँ, वो जिसके ऊपर ऐसे कांटे रहते हैं, यदि उसके ऊपर कपड़ा डाल दो ना, तो यदि एक तरफ पकड़ोगे तो दूसरा उसमें वो निकल नहीं पाता ठीक से. ये गांव में बोर के होके तो हमारी यह आदत है, हमने सोचा चलो ठीक है, एक से छुड़वाया, दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छुड़वाया, तीसरे ने पकड़ लिया, तीसरे ने छुड़वाया. इस तरह से हम निरंतर कहीं ना कहीं कांटों में उलझे हुए हैं. इसलिए कबीर कहते हैं कि मत कर मान गुमान, केसरी रंग उड़ जाएगा, हमारा भी रंग उड़ जाएगा और इस जीवन की रंगीनियां भी सब खत्म हो जाएगी, सब जानते हैं. इसलिए वो रंगीनियां खत्म होने के पहले कुछ हम अच्छा काम कर लें, कुछ नेकी का काम कर लें, कुछ प्रेम और सद्भाव के साथ रह लें, कुछ ये जो दूरियां हैं उनको दूर कर लें, जितना जिनसे बन सके उतना करें. हम हमेशा नहीं कर सकते, परंतु जितना बन सके उतना तो करें. So, Radha ji is going to sing one of my favorite bhajans, and I'm happy, but I'm also a little sad because it's also one of Duriya's favorite bhajans. She's not here. But it's a bhajan where Kabir says, don't dwell in this feeling of man guman, of prestige and pride and ego, because all colors in this world will fade away. It's a beautifully poetic bhajan. It says, ye kesariya rang ur jai, ye gulabi rang ur jai. These beautiful colors, these senses that enrich our existence on this world, every color is going to fade away. And it says, yo sansar, this world is just like a small packet of paper. If one drop falls on it, it'll melt away. This world is just like a thin pile of branches. One spark falls upon it, and in a moment, it'll burn away. This world is like a bor wali jari, that Prahlad ji was saying, a bramble really, a thicket, a thorny bush, that we get stuck in this, ulat pulat is the kind of language Kabir uses, and in this struggle, all of us will die if we allow this bramble to capture us. This world, hatawalo meron, it's a bustling marketplace, and those who are wise will do their business and go onward, while those who are foolish will get stuck there making a bad trade. This world is just like
a glass bracelet. One touch at the wrong angle and it'll shatter to pieces. Kabir says, remember, Tari Karmi ko sati koi nai. In the end, there is no one who will share your actions with you. Kesari orang urijai. All colors in this world will fade away. Eji pani ke ra bud buda aur asmanas ki zaat dekhat hi chip jayega aur jo tara parbhav. What is this life? It is just the bubbles on the surface of the water. As soon as the eye falls on them, they disappear. Yehi maya tadhi to kya bhaya irne aur maan taja nahi ja maan bade is mun gade Kabir says, if you have given up Maya, you have given up nothing. Sorry, Mom. If you have given up Maya, if you have given up, you have given up nothing. If you have given up your prestige and respect, you have given up nothing. After all, don't the rishis and munis give all this up when they leave? After all, isn't prestige something for everyone else to consume? It doesn't enrich you, it's only there for the taking by others. Ben ka naam Maya hai. Vaise Maya ke baare mein jaise hi Maya shabd aata hai na to aap aur hum sab ke man mein ye concept hota hai ki Maya hai na paisa ya Maya hai na stri. Jabki Kabir ek jagah par kehte hain ki Maya Maya sab kahe और माया चीने नहीं कोई और जो मन से ना उतरे माया कहा वैसो है. हमारे मन के अंदर जितने भी संकल्प विकल्प पैदा होते हैं वो भी सब माया है. माया हम केवल स्त्री को या पैसा को ही नहीं कह सकते. जो मन के अंदर जितने भी संकल्प और विकल्प उठते हैं वो भी सब उसी दायरे के अंदर होते हैं. इसलिए इन संकल्प और विकल्प से ऊपर उठने का प्रयास करें. कैसे? Oh,
Hari kar niro saathi
जो हमारी मूल है, पूरी कायनात की मूल है, जो सुप्रीम पावर, खाली पावर नहीं, सुप्रीम पावर है, जो सबका एक है, और वो एक वस्तु निकलने के बाद में इतने सुंदर स्वरूप को तुरंत कहते चलो 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 जल्दी करो, चलो जल्दी करो, मिट्टी को मिट्टी का सुपुर्द कर दिया जाता है, गाड़ते हैं चाहे जलाते हैं, जो भी करना हो। कभी कहते हैं कि माटी में माटी मिला और मिला पवन में पवन, मैं तो पूछूं पंडिता दोनों में हुआ है कौन। पंच तत्वों का शरीर है, आप सब जानते हैं कि पांच तत्व आपस जिनसे मिलकर के बने हैं वो वहीं पर जाएंगे, और आप ये भी सब जानते हैं कि इसमें जो जीवात्मा है वो कभी मरती नहीं, जीवात्मा अमर है। देह मरे जीव अमर है, निपार ब्रह्म है सोए, और अज्ञानी भटकत हरे लखे सुज्ञानी होए। तो वो जो सुप्रीम पावर है, वो जो एक सबका मूल है, वो जो हमारा हुजूर है, जो हमारा हाजिर होने वाला एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये सब काम चल रहा है, उसको थोड़ा सा यदि अलग करें तो फिर क्या बचता है। और बस उसी की प्रत्यक्षानुभूति के लिए, उसी के एहसास के लिए ये जितने भी चीजें बनाई गई, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, तीर्थ है, व्रत है, पूजा है, पाठ है, ध्यान है, समाधि है, योग, ये सब उसके एहसास के लिए बनाया गया। परंतु हमने एहसास करना तो बंद कर दिया और बस वही काम करना शुरू कर दिया। Prahlad ji is saying that this bhajan describes the transience of the material world we know, that everything we interact with, this body through which we interact with everything, is composed of five elements. And in just the span of a moment, in the grand scheme of things, the human birth is such a fleeting instant, it will return to its compositional elements. The one thing that will remain is that inner supreme power, that mool, that root, that is our true essence, and that is eternal. And all the structures and institutions we've built in this world, the temples, the churches, are there as kind of signposts to help us point in the direction of this true understanding of this immortal supreme power that's within each of us. और इसलिए वो कहते हैं कि पांच तत्वों का पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़ते बिसर गया सब ठाम। पुतला यानी ये शरीर, शरीर रूपी पुतला। So the creator has made of five elements a puppet and given it the name man. To isliye wo jo ek vastu hai bas usi ki pratyaksh hote ke liye sab kiya gaya. To phir kya kare, hum mandir mein jate hain, puja karte hain, theek hai, पर पूजा करते करते वास्तविक इस मंदिर में कभी गए कि नहीं गए? हम उस मंदिर में तो रोज जाते हैं, गुरुजी के सामने जाकर के रोज माथा टेकते हैं, टेकना चाहिए, दिन में 50 बार टेको, बहुत अच्छी बात है। परंतु अंतर के गुरुत्व जो उनको जो एहसास हुआ, वो हमारे जीवन में कभी हुआ कि नहीं हुआ? वो अमृत का धरण जो सबके अंदर झरता है, उसको हमने कभी पिया कि नहीं पिया? उसको तब पी सकेंगे जब हम उन हदों से ऊपर उठें, उसको तब पी सकेंगे जब पीने के बाद में हम दूसरों को भी सर्वांगसम स्थिति में पिला सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि मंदिर में तो बुद्ध बजता है, मस्जिद में सफ़ब सफाई है, और दिल दरगाह को खोज ले प्यारी, झलकता नूर खुदाई है। वो नूर जो सबके अंदर एक है, वो नूर जिसको हम बांट नहीं सकते, जिसको विभाजित नहीं कर सकते, वो सबके अंदर एक जैसा है। और उस नूरानी अवस्था का जिसको एहसास हुआ ना, उसने कहा कि वो पत्ते पत्ते में, वो जर्रे जर्रे में है,
और ऐसे साधक, ऐसे संत, ऐसे योगी, ऐसे महापुरुषों ने इस चीज का एहसास करने के बाद कहा कि वो एक है, वो सब पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में है, और उसकी उसकी खोज करने के बाद में हमारे जीवन में यदि परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में उसका एहसास होता तो हमारे जीवन की सार्थकता है, अन्यथा क्या होगा ये इसका निर्णय खुद करें। So, Prahlad ji gave this beautiful sakhi from Kabir that within a mandir, within a temple, you will find a statue of God. Within a masjid, you will find an open space. But that dargah, that shrine that is within, search within that, khoj, really search, and you will find the flame of divinity burning always. And he's saying that this there's a beautiful play on words where Prahlad ji said, we may spend hours, days, constantly paying obeisance to the Guru and bowing at the feet of the Guru, but until that Gurutva, which literally means the essence of the Guru, but also means that, that gravity, that that essence is born within us, we can't say we've taken anything. So that Guru is offering a kind of nectar, but the Guru can offer it every day, and unless we drink it, no inner transformation will happen, no thirst will be quenched. पहले हम इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा इस भजन के मार्ग पर चिंतन करें कि वो सबके अंदर एक है, तो पत्ते पत्ते जरे जरे में उसका नूर, उसका यह प्रकाश या उसकी नूरानी अवस्था कैसी है। और ये केवल किसी मजहब के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि सबके अंदर है, और इसकी कला का पार जिसने पाया उनने ये कहा, वो ऋषि हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, महंत हो सकते हैं, साधक हो सकते हैं, आप जैसे सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए देखिएगा भजन है It says such glory to this creator, and it's beautiful poetry. It says glorious is the art of your creation, Danyantari Khala. No one can surpass this art. Nirakaran. Nirakar hokar wo sabka palan karta. O Swami, you have become formless. Nirakar tu hokar Swami. And yet, sabka palan karta. And yet, you nourish and protect all on earth. Nirakar nirbandhan. You are without form and without any restriction. Thank you so much. And death and birth cannot affect you. Your nature is always to be ever at play, in a state of playfulness. Teri sataka khela nirala. No one can understand this. Whoever seeks your grace, or to whoever your grace falls, only to them is given your darshan. Rishi, Muni, Sant, Mahatma, all the great holy ones in the world, every day, pay dhyan, they focus their attention only on you in different forms. Char kan chorasi ke mahi, within every birth, the Sankhya philosophy says we have 84 million births before we can escape sansar. So saying within every one of those 84 million births, your gaze falls on us always. Your radiance is ever shining in the spark, the flicker on every single leaf. It shines like the clash of lightning. And this is being sung by Jiva Das. So with his mind, his heart, his intellect open, Jiva Das sings this song. Glory be to the art of your creation. No one can surpass it. Devi Sahib, Tamari Sahibi,
और सब घट रही समान। जो मेहंदी के पात में और लाल लगी नहीं जा। Our master resides within every single being in this creation, although we are not conscious of that. In the same way that from the outside you cannot tell of the brilliant red color residing within a mehndi, a henna leaf. और जिसने उस मेहंदी को लगाया तो वो भी लाल हो गया। In the Nirguna tradition, the color red represents divine awareness. And here, actually, Hazrat Amir Khusro says, "Oh, this beautiful red color I saw, and it captivated me. I went looking and looking for that red color, and then I found that I myself had become completely red." और जो लाल हो गया तो मालामाल, क्योंकि लाल कितनी कीमती चीज है। पता नहीं आपने तो देखे होंगे, हमने तो देखे नहीं लाल कैसे रहते हैं। और लाल ज्यादा भी नहीं होते, लाल बोरी जैसे भर करके किसको मिले ऐसा नहीं है। हंसों को बड़े बड़े झुंड के रूप में देखे नहीं है, शेर कभी बड़े बड़े झुंडों में नहीं रहते जैसे शिप या क्या भेड़ का जो झुंड रहता है वो वैसे झुंडों में शेर नहीं रहते। इसलिए जो संत और साधक होते हैं वो भी ऐसे झुंडों में नहीं रहते, वो ऐसा झुंड या ऐसा टोली नहीं बनाते। इसलिए कहा है लाल लाल तो सब कहे और सबके पल लाल, पर गांठ कौन देखा नहीं तो यासे भया कंगा। There's a play here between this redness of divine awareness and the word lal also means a ruby, a red gem. It says everyone in the world clambers after this ruby, but please just one time look within your own pouch and you will find immeasurable riches. इसलिए वो खोल करके हाथ में रखते हो तो सब मालामाल, नहीं तो लाल रहते भी कंगा। नहीं हंसन की नहीं पा, अरे लालन की नहीं बोलिया और साधु न चले जवान। सिंह जो है वो बड़े झुंडों में नहीं रहते, हंसों का बड़ा बड़ा पर्राया बहुत इस तरह से वो नहीं मिलते, लाल बड़ी बड़ी बोरियों भर करके नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं, और इसी तरह से साधु जमात लेकर के नहीं चलते, बहुत बड़ी संख्या में लेकर के, बड़ी संख्या बनाना भी नहीं चाहते, और जहां बड़ी संख्या बनती शायद वो किसी न किसी तरह का एक क्या कहना चाहिए, एक वो शब्द उतना अच्छा नहीं रहेगा, बड़ी संख्या में बनाना अपने आप को बहुत बड़ा मानना, बहुत बड़ा एक तरह का एक सामंतशाही कहना चाहिए, या उससे बहुत सारी चीजें मिलती भी है, इसलिए हमारा धंधा भी हो सकता है ना? तो इसलिए साधु को क्या, साधक तो साधना है, आप सबके ये बैठे ये भी आपकी साधना है और ये साधुता का लक्षण है। इसलिए देखिएगा उन्होंने कहा कि उसकी कला का पार जिन्होंने पाया उन्होंने क्या कहा। धन्य गरीब
पाता है धन्य तेरी करतार कलाना पा नहीं कोई पाता है है। उसका कोई आकार नहीं पर हमने आकार बना लिया और जहां आकार बना के लड़ाई झगड़ा शुरू क्योंकि जो आकार आपको पसंद हो सकता मुझे पसंद नहीं जो मुझे पसंद वो इनको पसंद है इनको पसंद है उनको पसंद और फिर हम ये कहेंगे कि जो हमें है वही सही है ये कहे वो गलत है इसलिए झगड़ा है जबकि सबने जिनने जो आकार बना लिया वो सब उनके लिए ठीक है तो इसलिए कहा है निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं करता है उसकी लाली पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में है कोई जर्रा खाली नहीं है परंतु कुछ हम ऐसा कहते हैं कि बस वो तो हमारे पास ही है भगवान का दर्शन हम ही करवा सकते हैं उसकी इबादत या उसका एहसास हम ही करवा सकते हैं अरे सब करवा सकते हैं सबके पास में है परंतु हम किसी भी जरिए से उसका एहसास करें बस ये ज्यादा जरूरी है इसलिए आखिर में कहा है पत्ते पत्ते पर रोशनी तेरी बिजली से चमक दिखाता है जगत भया मन बुद्धि तेरी जीवा दास गुण गाता है
इसलिए उसकी कला का पार पाने के लिए अपने इस तरुणी मंदिर में आना पड़ेगा। बाहर के मंदिर में भी जाओ, परंतु बाहर के मंदिर में जाने के साथ ही साथ इस मंदिर में भी आ जाओ, इस रंगमहल में भी आ जाओ। और इस रंगमहल में भी आने के बाद में इस रंगमहल में भी उन हदों से थोड़ा ऊपर उठ जाओ, वो ऐसा कहते हैं। इस रंगमहल में भी आने के बाद में अपन है सही इसमें, तो इसी मंदिर में, इस मस्जिद में, इस गुरुद्वारे में, इस रंगमहल में, इस अजब शहर में तो सब है, परंतु हम कहां पर है सबका अपना अपना पता है। इसलिए वो कहते हैं कि इस रंग महल में भी उन हदों से ऊपर उठो, तब हम खुद भी अमृत का पान करेंगे, हम दूसरों को भी सर्वांगसम स्थिति में पिला सकेंगे। जब तक हम इन इस मंदिर में भी हदों में बंधे रहेंगे तो हम ना तो खुद पी सकेंगे और हम ना किसी दूसरों को पिला सकेंगे। और जो इंसान इस मंदिर में, इस मस्जिद में, इस अजब शहर में, इस रंग महल में उन हदों से ऊपर उठ गया, उसने स्वयं भी अमृत का पान किया और पूरी कायनात को पिलाया। उसने ऐसा नहीं सोचा कि हिंदू को पिला दे और मुसलमान को नहीं पिलाए, या उसने ये नहीं सोचा कि आदमी को पिला दे औरत को नहीं पिलाए, या उसने ये नहीं सोचा कि भारत को पिला दे पाकिस्तान को नहीं पिलाए। तो इसलिए इस मंदिर में आने की बात करते हैं। और जो इंसान इस मंदिर में आ गया नहीं, तो फिर वहां मंदिर में जाकर के घंटी ठोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो घंटी इधर ही बज रही उस this body is a mandir, and there's a beautiful metaphor Kabir gives. He describes the body as a rang mahal, a colorful palace, a place full of beautiful experiences and beautiful sights to appreciate. He describes it as ajab shahar, a wondrous city, a place to explore and to learn things. And Prahladji is saying that we need to begin our journey within this mandir, within this wondrous palace, this colorful house. And this is a place where we can't build walls. As long as we build walls within this place, we'll limit ourselves, we'll prevent ourselves from finding that which we're looking for. That within this place there's a nectar, an amrit, that is for everyone to drink, not just for people from this sect or that sect or this religion or that nationality or this gender. It's there for everyone. तो उस मूल वस्तु का एहसास इधर होगा। मैं अपने तरफ कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे तरफ आओ, आप अपने तरफ ना अपने खुद की ओर नहीं। इसलिए कभी एक साखी में कहते हैं, इस घट में यो घट पाया, इस घट में यो घट पाया, इस घट में यो घट पाया, इर रे और ओ घट माही घाट, अरे सब ही संशय मिट गया जब गुरु दिखाई बात। कबीर says, within this vessel, is ghat mein, I found the uncontainable. Within this vessel, I found the true ghat, the well, the wellspring. Through the Guru, all doubts were cleared when the Guru gave me the secret. बहुत the secret में अच्छा राश। अब वो ऐसी चीज है जिसको हाँ भी कहेंगे और उसको ना भी नहीं कह सकते, पर यदि हम कह के वो ऐसा है, तो यदि आप कहें कि चलो बताओ, तो वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ यूं करके यूं बता दूं। तो इस वजह से कबीर कहते हैं, ये जी हाँ कहूं तो है नहीं और ना भी कहो नहीं जाए,
हर हावर नागे बीच में मेरे सतगुरु रहा समान. Most doctors and faiths give us a sense of certainty. Do this, don't do this. This is how it is. This is what you. This is how it isn't. But Kabir says, if you say yes, you haven't got it. If you say no, you also haven't understood. That space between yes and no, that space is where the Satguru, the Divine, resides. But it is possible जब उस बारीक जो सकड़ा रास्ता है, क्योंकि वो बहुत बारीक जगह है, और वहाँ पे ये मेरा और तेरा और हाँ और ना और ये सब नहीं चलता, वहाँ एक ही चीज चलती है. जब तक इंसान के अंदर मैपन है, तब तक उसका एहसास नहीं हो सकता, और जब तक हमारे अंदर केवल वो है, तब तक भी नहीं हो सकता. इस वजह से वो प्रेम का, वो सद्भाव का, वो एक झीणी सी डोर या एक झीणा सा जो रास्ता है, वो बहुत प्रेममयी है. और जहाँ पर ये नहीं है, तो फिर कोई एक पक्ष होगा. एक म्यान में दो तलवार नहीं आती, नहीं? तो इसलिए जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मेरा. जी प्रेम गली अति साकड़ी और तामे दोन समान. या जब मैं था तब हरी नहीं और अब हरी है मैं नाई. प्रेम गली अति साकड़ी तामे दोन समान. When I was there, God was not there. Now God is here and I'm not there anymore. The road, the alley of love is so thin. There is no space for two there. और ये तब होगा जब हम इस रंग महल में आ जाएं. इसीलिए देखिएगा एक पद में कहा है. शहर में आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिगुण सेज बिछाई, ऐसी ऐसी सिगुण सेज बिछाई. इसलिए कबीर कहते हैं कि तू इस मंदिर में आ जा, इस देवालय में आ जा. वहां जाने पर तू घंटी बजा तो उसको कोई गरज नहीं कि तेरी घंटी सुने, और उसको सुनने की जरूरत भी नहीं है उसकी. इसलिए वो कहते हैं कि तू इसमें आ, और इसमें भी आकर के इन हदों से ऊपर आ, क्योंकि हद में दी रहेगा तो वो पीव नहीं पा सकेगा. वो कहते हैं कि हद में पीव न पाईया, और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम रखे नेता सो पीव हजूर. वो हजूर जो सबके अंदर हाजिर है, वो हदों से ऊपर उठने पर उसका एहसास होगा. इसलिए कहा है ¶¶
और जो इंसान इस रंग महल में आ गया, इसमें तो है ही सही, परंतु इसमें भी इन हदों से जो ऊपर उठ गया, उसने उस अमृत रूपी प्याले को पिया और सबको भी पिलाया, इसलिए वो कहता है कि इन हदों से ऊपर उठ, क्योंकि हद और बेहद, हद में पीऊ न पाया और बेहद में भरपूर, और हद में जब तक रहेंगे तब तक हम ये बकवास करते रहेंगे, ऐसा कहा। हद में बैठा कथत है और बेहद की गम नाही, और जब बेहद की गम होगी तब कुछ कथना नहीं, कहना सुनना खत्म हो जाएगा। इसलिए इन हदों से ऊपर उठने के लिए वो ये कहते हैं, इन्होंने आज इस सगुण रूपी से आप और हम सब के लिए बिछाई है, और उसी की वजह से आप और हम सबको इन संतों की वाणी को एक दूसरे के बीच में रखने का अवसर मिला। यह हमारी खुशकिस्मती है कि कम से कम इन संतों की वाणी को हम व्यवहारिकता में एहसास करने के लिए कुछ करें, और जब ऐसी स्थिति है तभी कहीं ना कहीं बात बने। इसलिए वो अमृत का प्याला हम तब पिला सकेंगे जब ऐसी कहीं झड़ी लगे संतों की वाणी की, उन महापुरुषों के इशारों की, और उसको हम पी करके अपनी क्षुधा मिटा सकें, अपनी प्यास बुझ सके, तब कहीं बात होगी। पर कहीं ऐसा ना हो, एक जगह पर कबीर कहते हैं कि खलक मिला खाली हुआ और बहुत किया बकवाद, और बांझ हिलावे पालना लेता में कौन स्वाद। जिंदगी भर तक राम राम कहते रहे, कृष्ण कृष्ण कहते रहे, लाला कहते रहे, ओम ओम कहते रहे, और ओम का एहसास ही नहीं कर पाए, राम का एहसास ही नहीं कर पाए, खुदा का इबादत करने पर उसका एहसास नहीं कर पाए, तो ये वैसी स्थिति रहेगी जैसे एक निसंतान स्त्री और पुरुष खाली झूला बांध करके उसको खाली झूले को जिंदगी भर तक इस तरह से हिलाते रहें तो बच्चे के सुख का एहसास नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली अनुभव की बात है कि वो हो तब मालूम पड़े। इसलिए संतों ने कहा कि तू वो अमृत में धारा खुद भी पी और दूसरों को भी पिला, और संतों ने हमेशा यही किया। संतों ने जो कुछ किया, जो कुछ एहसास किया, वो आप और हम सब के लिए छोड़ा दिया, और वो ये कहा कि ये सब आप के पास है, इसको आप लें, इसको एहसास करें। The previous bhajan described this amrit that is for us to drink and for us to share with others. And in this bhajan,
it continues to talk about this, because this is a theme in Kabir, that what use is it going through the motions of spiritual practice if you don't drink in that nectar? If we repeat the name of Ram, but we don't drink the nectar of that name, then there's no flavor, there's no experience. If a mother and father sit by an empty swing and watch it move back and forth without a child on that swing, what joy is there? So this bhajan says, there is a torrent, a dhara, a stream of amrit, of nectar, flowing in a chari, like a waterfall. Drink that. It is there for you to drink. It says, the thirst that one drop could quench, you drank bucket after bucket and were still thirsty because you drank them while you were asleep. In your dreams, no matter how much you drink, that thirst will not be quenched. Kabir says, without thirst, no one can drink that amrit. It is there for everyone to take, but it will only be taken by those who are truly thirsty. Here it is, take it. It is falling from the sky in a torrent. Having drunk this nectar, you'll never again enter the womb of creation. Birth and death will have no effect on you. Fill your vessel with this nectar. Each drop of this nectar is a word, is the vani, is the voice of the guru. And this water is like a path through which we may live our lives. Kabir says, Kabir resides at the union of all of us and says, the branch of love is evergreen. Drink that immortal nectar. It is pouring in a fountain from the sky. खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया तो जगत की भरमना सब दूर भागी बाहर और भीतर एक आकाशवत है और सुषुम्ना डोरी तहां उल्टी लागी क्या करें पवन को पलट के सुन में घर किया मैं घर में अधर भर कूद देखा कहे कबीर गुरुपुर की मेहर से और त्रिपुटी मध्य दीदार देखा तुम्हें मर्जी वा समुद्र का रे मैं मर्जी वा समुद्र का ने डुबकी मारी एक अरे मुट्ठी लाया ज्ञान की और तामे वस्तु अनेक डुबकी या गोता भी ऐसी जगहों पर लगाए जहां पर गहरा हो यदि उथली जगहों में डुबकी या गोता लगा दिया नहीं तो सिर फट जाएगा फट से इसलिए कबीर कहते हैं कि डुबकी मारी समुद्र में और जान इक्सा आकाश और गगन मंडल में घर किया ने हीरा पाया दास तो हृदय रूपी समुद्र में गोता लगाने की जरूरत है जिसने इस हृदय रूपी समुद्र में गोता लगाया उसने मोती को चुना मोती को पाया वो अनुभूति अविवेक रूपी समझ परख तब होगी जब हृदय रूपी समुद्र में गोता लगाए और अनुभव रूपी मोती तब मिलेंगे जब हम सच्चे बिना डर के निडर होकर के इसको आत्मसात करके प्रत्यक्ष अनुभूति के घाट पर ले आए कबीर says immerse yourself drown yourself in those places that are deep Go and try drowning yourself in a shallow pool and you'll only fall flat on your face. So instead, drown yourself in the ocean within your heart. Dive to the bottom and find the pearl within. Thank you.
वाकई जो प्यासा है वो उस प्यास के मन को जानता है, वो जिसको प्यासी नहीं है उसको चाहे घड़ी लगती रहे उसको पानी से क्या लेना। इसलिए वाकई प्यास के मर्म को वो जानता है जो प्यासा है, जो खोजी है, जो जिज्ञासु है। और इसलिए जब वो श्रद्धा, जब वो हमारी लगन, जब हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा उस संतों के माने के साथ में होगी तो हमें निश्चित रूप से एहसास भी करेंगे। इसीलिए वो ये कहते हैं कि तू जो प्यासा है उसको पानी पिलाया, जिसने जिसको प्यासे नहीं उसको क्या पिला रहा है। इसलिए कहा है अरे प्यास बिना क्या पीवेगा पानी, प्यास के लिए है वो पानी। प्यास बिना क्या पीवेगा पानी, प्यास के लिए है वो पानी। और जिसने प्रेम का, सद्भाव का, नेकी का और सहजता का अमृत रूप दान किया वो अमर हो गया। शरीर तो कभी अमर होता ही नहीं है, परंतु देखिएगा जिसकी वजह से आप और हम सब यहाँ पर आज मौजूद हैं, वो पता नहीं 600 साल या 650 साल पहले थे पर आज भी वो इतना जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। जिनके पास बड़े बड़े ऐसे बिल्डिंग नहीं थे या उनके पास धन दौलत नहीं थी, उनके पास राज सही या इतना वो पद या कुछ नहीं था, परंतु वो जिंदा है। और जिनके पास ये पता नहीं कितना कितना था, उनको लोग कोई जानता ही नहीं। इसलिए ये अमृत जो है वो तब होगा जब इस झड़ी जो सबके अंदर बहती है उसको हम सर्वांगसम स्थिति में सबको पिलाएं। और जिसने उसको पिया वो खुद तो अमर हो गया, उसने दूसरे को भी अमर कर दिया। इसलिए कहा है अरे अमीर सती में अमर पद पावे, भव योनि में अब नहीं आवे। बात को अच्छी तरह से वाकिफ है कि वो झड़ी है प्रेम की, शब्द की, नाद की, अनहद की या सत्यों की वाणी की। इसलिए कहा है अरे
Take a minute to thank everyone for coming, but also to let you know a little bit about what's happening right now. Prahladji has come to the US a few times in the past through various cultural organizations to do very formal tours with universities and a lot of big cultural organizations in India and the US. This is the first time that he's come to the US purely for a satsang tour. So he's come without any sponsorship from any organization. He's come on a tourist visa. So every program that's going to happen over the next 6 weeks in the US is like this. It's going to be a home program, a bhajan program, a workshop. There's not a single ticketed event or event that requires a donation in the entire tour. And the purpose of this entire tour is to share the richness of this Vani, to share the richness of this message of Kabir. And because we thought one day might not be enough here, Prahladji is actually going to be in the DC area for a few days. On Monday, he'll have another satsang just like this at the residence of Pradoshji Desai, who I think is here. So, of course, you're all welcome to attend, and I'm sure from what I've seen, every bhajan you'll hear will be new, because after spending close to a year with Prahladji, every evening I kept hearing new bhajans. But also, in addition to having listening satsangs like this, where you can imbibe the spirit and the energy and vibration of bhajans, Prahladji was very keen on doing workshop sessions, which are more participatory. So in these sessions, instead of just listening, the focus will be on whoever comes will learn one or two of these Kabir bhajans, and not just learn it, like learn to repeat the words, but spend a few hours discussing as a group what the inner dimensions of meaning might be. And I have to say, I'm speaking in English now, so I can flatter Prahladji and you won't be able to chastise me too much, but it's been a really heart-opening experience to spend time with Prahladji, because he's so wonderfully not only open to hearing ideas, but intrigued by hearing the ideas and perspectives that every person brings to a bhajan. And that encouragement and energy really brings new thoughts and new ideas out of each one of us. So we're going to have a session like this here in this very same hall tomorrow from 4 p.m. to 8 p.m. Anyone who's interested is willing to is free to attend. It's going to be open to everyone, and that's going to be a participatory session. So not just for sitting comfortably and listening, but for also singing bhajans and discussing what they might mean. मैं कल का वर्कशॉप के बारे में कह रहा था कि कल 4 बजे से वो भी एक दो भजन सीख सकें, और उसके अलावा चर्चा भी होगा भजन का मरम के ऊपर और हर एक दृष्टिकोण के ऊपर. Prahladji is actually just retired in the last year after several decades of working not as a singer but as a school teacher. Prahladji began his career as a school teacher and most recently was the headmaster of a girls' school in Kanasia village in Madhya Pradesh. And one thing that
he saw over and over again in this line of work is the extent to which education is denied to many people in India, and particularly in rural India, it's denied on the basis of caste. So many children are not allowed to enter schools or are only allowed to enter as second-class citizens. So within his own village, Puralaji has started a school called Kabir Academy that gives teaching up to Panchwa Tak Chalaina. So up to the fifth or sixth standard, students are there from 4 years old to about 11 years old. The cutest kids you'll ever see. And they're learning not only math and science and writing and reading and English, but they're also learning everything through this lens of Kabir's message. Everything they learn is contextualized within Kabir's teaching. So it's a real all-around kind of value-based education. And with lessons, they also learn these bhajans, and they learn how to understand the inner meaning of these bhajans. So what they've been doing when they go on tours like this is they've prepared a CD of some of these songs, some of which you've heard this evening and some of which are not, that you haven't heard. And this CD has been prepared along with a booklet of translations in English for each song. So wherever they go, they offer that CD for, I think, $10. And all of those proceeds are going to this Kabir Academy in Lunyakheri. On top of that, if any proceeds are raised from this tour, they will also go to that. Right now, this tour is several thousand dollars in the red. So who knows if that'll happen. But basically, this tour is just to bring Kabir's message. And if you're interested in hearing these songs, please do buy a CD. The money will go directly to these children. So while I'm talking and Guruji is resting, I'll introduce everyone we have on stage with us. Of course, you've all met Prelaji. With him, accompanying him on not only on Dholak, but in everything else, in all the great work he does, is his oldest son, Ajay Tipanya. And violin, a really rare musical genius who's an absolute treasure to work with and from whom I've learned so much more than I can express, is Devnarayan Sarolia. And then alongside us is a real brilliant mind in several languages. I've lost count of actually how many languages she's fluent in, but an instructor in the Department of South Asian Studies in Berkeley University, or UC Berkeley, is Pranjali Sirasa. The kind of, I shouldn't say mind behind this tour, the heart behind this tour, the person whose sankalpa really went into making this satsang yatra a reality is Sarah, well, we call her Amba Devi. मेरा ज़्यादा ख्याल है कि आप हमने आपको जो समय था उसके मुताबिक तो आपको परेशान कर ही दिया, समय ज़्यादा हो गया और अपना घर कोई समय नहीं है ठीक है, यदि इस तरह का है तो मालवा में यूँ कि जो नटे की कटे बैठ सकते हैं, जितना भी समय आपका है बैठ सकते हैं, परंतु मन मन में सोच रहे होंगे आपके कब बंद करें और हम जाएं, ऐसा भी हो रहा होगा। अच्छा तो ठीक है, जब तक भी आप कहें हम अपन बैठेंगे बात करेंगे, और जब आप कह दो कि बंद तो बंद कर देंगे। तो इनका एक आग्रह था कि यस तो आप, हम तो यहाँ पर अमेरिका में एक तरह से परदेसी हैं क्योंकि देखिए ये इंडियन है, परंतु आप और हम सब भी के अंदर जो एक सुप्रीम है जिसको कहना चाहिए वो इस देश का नहीं है,
और उसके बारे में कबीर का जो थॉट है या कबीर साहब का जो विचार है, जो उसकी इबादत या उसका एहसास या उसका प्रत्यक्ष होती हमारे लिए पूरे कायनात के लिए जरूरत है, वो उस पद में है। हम परदेसी पंछी साधु इन्हीं देश का नहीं, इन्हीं देश का लोग अच्छे तरह पल पल परले में जाइए। तो जिस देश की बात कबीर करते हैं वो बंधन वाला या बाउंड्री वाला या सीमा वाला नहीं, और इसलिए क्योंकि शरीर एक सीमा है परंतु इसको चलाने वाला वो इस सीमा से अलग है, क्योंकि इसमें घुला मिला भी नहीं है परंतु इसमें है, और वो इसमें घुला मिला नहीं होने की वजह से वो जब निकल जाएगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, आप सब जानते हैं। और इसीलिए वो उनका परमात्मा जो सबका है उसके बारे में कहते हैं कि निर्गुण रूपी है मेरे दाता, सिरगुण नाम धराई, और मन पवन दोनों ने पहुंचे उन्हीं देश का माई, हम परदेसी पंछी साधु इन्हीं देश का नहीं। यानी ये उस अवस्था पर वो बात करते हैं जिसको हम शरीर की सीमा में, धर्म की सीमा में, मजहब की सीमा में या किसी देश की सीमा में नहीं बांध सकते, और वो सब के लिए एक खुले तौर पर सर्वांग सब स्थिति में भाव होता है, और वो भाव सबके लिए एक जैसा होता है, और वो है सदगुरु। एक जगह पर कहते हैं कि दाता नदियां एक सम, सब का हुको देत, और हाथ कुंभ जिसके जैसा वैसा ही भर लेत। जिसके हाथ में जितना बड़ा पात्र है वो भर लेता है। नदी सरोवर भरा हुआ है, वो कभी किसी को नकारा नहीं करती कि तुम पानी मत भरो, आपकी कैपेसिटी हमारी कितनी क्षमता है उसका मुताबिक हम भर लेते हैं। तो इसमें भी हमारी कितनी क्षमता है उसके मुताबिक हम वो एहसास कर सकते हैं। इसलिए अंतिम में एक पद ये और हम परदेसी पंछी साधु इन्हीं देश का नहीं। Prahlad ji has very graciously agreed to sing this bhajan because I requested it. It's very close to my heart and I think to a lot of people's hearts. When I was traveling with Prahlad ji in India, while I was working on my dissertation, I was the Pardesi. Now the roles are flipped a little and we're in America and Prahlad ji is the Pardesi, the foreigner. But Prahlad ji is saying that Kabir talks about a hansa, a bird, that inner soul. And the song of that bird is that I am a bird from a different land. I don't belong to this land. So what is the land that he's speaking of? It's this desh, this country, this land that has no boundaries, that has no divisions, that has no duality. This place from which we've all come, because before we entered these bodies, we also had no divisions or no duality. We had no sense of ego or of separation. It's this country and this soul bird, this Hansa cries, I am a bird from a foreign land. I don't belong here in this embodied land. And the lyrics are so beautiful. It says, without a mouth, I will speak. Without legs, I will walk. Without wings, watch as I fly away. Within this awareness resides my love, and I reside within that boundlessness. If I sit in the shade, my body burns like fire. And if I sit in the sun, I feel cold. I take no pleasure in shade or in sunlight. I take pleasure only in the love and the teaching of the Guru. For 24 hours, sorry, ato peher to 24 hours. For 8 watches, for 28 hours, I sit with my body bound in a yogic posture until that moment when my sigh arises within me. Jab kabahuna utarega sigh. The wise ones and the ascetics, they couldn't reach that country, the country from which I have come. My Lord is formless, and yet I have given him a name as a form that I can hold. The mind and the wind cannot reach that country from which I have come. Nakashika Nayan, it's a cute line, from my toenails to my forehead,
the Sadguru has made this entire body immortal. Kabir says, become unmoving, become undying. Go to that country that I belong to. I am a foreign bird. I don't belong in this country. कबीर ने गुरु नानक ने बुल्ले शाह ने दया गरीब साहब ने जो जो भी बातें कही वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर भौतिकता में भी घटित है क्योंकि जाति धर्म मजहब ये बहुत इतना प्रभावी तरीके से लोगों को बांध रख रहा है या इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई होगी या इस वजह से अनेक तरह की मारकाट हुई होगी या अनेक प्रकार की दुविधाएँ हुई होगी परंतु उन्होंने उस परिस्थिति को देख करके ये बातें कही और ये स्वयं के ऊपर घटित होने पर इसलिए कही क्योंकि उन्होंने जिस हंस के बारे में बात करी उसको हम इस तरह से इनमें इस दायरे में नहीं बांध सकते और इसीलिए वो कहते हैं कि ये जाति धर्म मजहब में वो क्या जी हम वासी वा देश के कबीर कहते हैं हम वासी वा देश के जा धरण गगन दोइना अरे शब्द मिलावा हो रहा और देह मिलावाना I belong to that country in which there is no earth or sky That country in which you will find not a single body, but you will hear the word, the shabd, repeated endlessly. कबीर ने जब हिंदू और मुसलमान सभी के लिए जो भजन आपने बहुत सुने होंगे, उन्होंने सबको उसके पीछे जो आडंबरवाद या जो अनेक प्रकार की कुछ आ गई होगी, उसके बारे में निर्भीकता से कहा, मुल्ला होकर बांग पुकारे क्या वो साहिब बहरा है? और चीटी के पांव में नेवर बाजे वो भी साहिब सुनता है या वो कहते हैं कि पाहन पूजे तो हरी मिले और तो मैं पूजूं पहाड़ पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़ और या से तो चकिया भली जो पीस खाए संसार तो ये सब बातें उन्होंने कही क्योंकि ये चल रहा था और जब ये चल रहा था तो उन्होंने ये बात क्यों कही तो उन्होंने कहा कि यार आखिर कि ये किस धर्म को या किस जात के हो या किस किसको मानते हैं उनसे पूछा कि तुम कौन जात के हो क्यों वो हिंदू है कि मुसलमान है तो वो कहते हैं कि हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं और मुसलमान भी नहीं और गे भी दोनों दिन में खेलूं दोनों भाई कबीर has many bhajans that talk about the conflicts between religions, the apparent conflicts, because in Kabir's time, as in ours, this was a very visible source of conflict. And so he has a lot of bhajans that ridicule the obsession with the outward trappings of religion. Like he says, O Mullah, to the Muslim priest, why do you shout so loudly from the top of the minar, from the top of the masjid? Is your God deaf? Surely God can hear the anklets jingling on the foot of every ant. And then he says to the Hindu priests, he says, if praying to a stone can get me liberation, then I'm going to go and worship a mountain. And then if you call me a Hindu, then you haven't understood. If you call me a Muslim, you also haven't understood. I relish the wisdom, deen, within both, or khelu dhono mahi, and I play between the two. एक साक्षी मोहिम कहते हैं ऐ जी जा तो हमारी आत्मा और प्राण हमारा हमारी जात जात वो कौन जात के हो
तो बोले कि जात हमारी आत्मा और प्राण हमारा नाम, हमारा नाम प्राण है जो सबके अंदर एक जैसा है, जात हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम और हमारा इष्ट अलग, जिसको लग नहीं सकते, जिसको पकड़ नहीं सकते, जिसको कोई बांट नहीं सकते, जिसको कोई काट नहीं सकते, वो हमारा इष्ट है, और हमारा गांव गगन। These are all questions that not only in Kabir's time but even today in India people will ask you to put you in a box. What is your name? What is your caste? What is your sect, your Ishta Devata? And where are you from? What's your home? So Kabir says, my caste is Atma. My name is Pran, is energy. My chosen deity is unfathomable. And my home is in the sky. ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस पद को कुमार जी ने भी गाया है। कुमार गंधर्व साहब ने, वो देवास में आए और उन्होंने देवास में रहने के बाद में कबीर शुरू किया। उन्होंने वहाँ पर जो लोक मंडलियाँ गाती थी उनको सुना, उसके बाद में चूँकि वो संगीत के बहुत मर्मज्ञ थे उन्होंने फिर कबीर गाया, और वो कबीर ऐसा गाया कि पूरी दुनिया में उनको उस कबीर के भजनों की वजह से ज़्यादा जानते हैं, और दूसरे से भी जानते होंगे, परंतु इनको सब लोग गाते हैं। हम परदेसी पंछी साधु देश का, उन्होंने भी गाया है, और उन्होंने वहाँ जैसा गाते हैं लोक मंडलियाँ जैसे गाते हैं वैसा का वैसे ही गाया है। ये पद आपने सुना होगा, है ना? उसकी एक पद एक अंतरा मैं सुनाता हूँ। हम भी उस तरह को इस तरह से गाते हैं, फिर हम उसको, चूंकि हम तो शास्त्रीय संगीत तो जानते नहीं है, परंतु वो लोक मंडलियों में उसको इस तरह से गाते हैं। अभी नहीं, बाद में इस बात के ऊपर कि कबीर ने
चौदहवीं शताब्दी में ये बात कही, मुख बिन बोलना पग बिन चलना बिना पंख उड़ जाई और इना सूरत की लोय हमारी अनहद में ठहराई, हम परदेसी पंछी साधु इन्हीं देश का नहीं। इसी बात को 16वीं सदी में तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि पग बिन चले सुने बिन उकाना, पग बिन चले सुने बिन उकाना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये मानस का सार है ऐसा मैं सोचता हूँ। मैंने मानस नहीं पढ़ा परंतु सुना जरूर है ऐसे खोजियों के मार्फत। तो जो बात उन्होंने इस तरह से कही, चूंकि कबीर पढ़े लिखे तो थे नहीं, वो उनका उन्होंने जो देखा वो कहा। वो एक पद आपको याद होगा, मैं कहता हूँ आखन देखी तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो रहे। तो उन्होंने जो देखा वो कह दिया और वो ऐसा कहा जो पूरी लय में था। चूंकि जिस तरह से अभी हम साखी बोलते हैं तो उसको साखी कहते थे परंतु उसको लोग दोहा कहने लगे, जबकि दोहा में एक निश्चित मात्राएं रहती है। दोहा रोला छंद चौपाई इसमें मात्राओं का तालमेल रहता है और उसको दोहा कहा जाता है। कबीर ने उसको साक्षी कहा था पहले, साक्षी ये साक्ष प्रत्यक्ष, वो साक्षी साक्ष हो गया, साखी हो गया और साखी को हम लोग दोहा कहने लग गए। ये चिंतनीय और विचार करिए कि जो बात उन्होंने 14वीं शताब्दी में कह दी वही बात 16वीं शताब्दी में इस तरह से कही और वो पूरी दुनिया में फैल गई। कबीर ने वो बात कही क्यों नहीं फैली होगी, या गुरु नानक साहब ने बात कही क्यों नहीं फैली, रविदास ने जो बात कही क्यों नहीं फैली। इसके पीछे भी बहुत बड़े रीजन है, ये चिंता का विषय है। एक ऐसा व्यक्ति, मुझे प्रांजलि की बात याद आती है या और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा कोई सामान्य आदमी जैसे आप अपन जैसे कोई बात कहें तो उसको कोई मानेगा नहीं, और इसी बात को कभी कोई ऐसा जो जिसका पूरा बड़ा नाम है और वो यदि कहेगा तो वो ऐसा होने लगता है, और ये एहसास का विषय है। इसलिए इस पद को देखिए हम किस तरह से गाते हैं, ऐसे भी गाते थे परंतु हमने इसको और अलग तरीके से बजाने का प्रयास किया जो इनको अच्छा लगता है वो सुना देते हैं। I'm tired of losing it all.
का विषय है। दूसरी बात यह है कि इन भजनों के बारे में बहुत सारे साधक, बहुत सारे महानुभाव हैं जिन्होंने अपने अपने तौर तरीके से इनके बारे में अपनी अपनी व्याख्या करी है। वो सब ठीक है, हमारी भी अपने कुछ न कुछ एक इसके बारे में क्या अनुभव है ये करने का कोशिश करें, क्योंकि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार और था के मुनिजन पंडिता और वेद न पावे पार। एक ही चीज के कई अर्थ हो सकते हैं। आदमी जो जिस स्तर पर होता है उस तरह से अपनी बात रखता है वो बुरी नहीं है, परंतु हम अपना स्तर भी किस तरह का है, इसलिए इसको एहसास के घाट पर लाएं। आपने अपना समय निकाल करके बड़ी दूर दराज से यहाँ पर आए, हमें दर्शन दिया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। और दर्शन दिलाने के लिए इन्होंने आयोजन यहाँ रखा, इसके लिए इनका बहुत धन्यवाद पूरे परिवार का। और जब भी कभी इस तरह का अवसर होगा फिर हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। वैसे वरुण बैठा है यहाँ पर, वरुण ये अमेरिका महाभारत आए थे तब इनके दर्शन हुए थे, आज फिर से इनके दर्शन हो गए। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से वरुण काम कर रहे हैं इस तरह से आप सभी वो इकाई हैं, छोटी इकाई हैं, आप भी ये सब काम कर सकते हैं।
वो जब सब लोग इस तरह से मिलकर के इन संतों की वाणी को यदि डिस्पर्सल या पूरी कायनात के लिए फैलाएं, तो हम चाहते हैं कि इस पूरी कायनात में अमन चैन और शांति थोड़ी जल्दी आ सकती है, नहीं? हाँ, और ये जो दूरियां है ना थोड़ी, ये भी कम हो सकती है। इसलिए ही अपेक्षा और आशा है सभी महानुभाव से कि इस कड़ी को आप भी निरंतर जितना जिनसे जैसा बन सके उसको पूरे जनमानस के साथ शेयर करें, बांटें और अपने अंतर की यात्रा के साथ में इसका एहसास करें। यही आशा और विश्वास के साथ में हम आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, और इसका श्रेय जाता है अम्बा जी को, शेरा जी को, या प्रांजलि जी को, या विवेक जी को। तो बस यही आप सभी से प्रार्थना है कि आप और हम सब इसी तरह से अपने आप से जुड़े रहें, जुड़ने का उपक्रम शुरू करें। वैसे तो सब जुड़े हुए हैं से, पर फिर भी इन चीज़ों का एहसास करने का अभ्यास करिए। मैं यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। Thank you so much for coming. I won't translate all of that, but the core Prahladji is really trying to accomplish through satsangs like this throughout the entire tour, is that not just that we'll all enjoy bhajans and enjoy that feeling and that bliss that they fill us with, but that feeling will motivate us to engage in an antaryatra, an inner journey. And his hope is that these words, this message of Kabir, will stay with us and will continue even once he moves on to the next leg to discuss it and to engage in these satsangs and these questions amongst ourselves. So, as a reminder, those of you who are still thirsty, who are still pyasa, please come tomorrow, 4 p.m., right in this room, and we'll have a wonderful satsang discussion that'll be more interactive and in which Prahladji hopes to hear all of your own vichars, your own ideas that spring from these verses. We'll have some refreshments upstairs, and please, I think Vibhuti is kept in, is it here or? It's up there, so you can take it on the way out. If you would like a CD, the person to talk to is Ajay Bhaiya, and on behalf of the entire Virani family, on